क्वेश्चन टाइम स्टार्ट फॉर थर्ड स्पीकर नाउ योर टाइम स्टार्ट गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक अपनी विशेषता है यहाँ की डेमोक्रेसी और उस डेमोक्रेसी को एप्लीकेबल बनाने के लिए जस्टिफाई करने के लिए यहाँ का है इलेक्शन कमीशन जो हर साल इलेक्शन कराता है और अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को चुन के लाता है। तो मैं मुकेश कुमार PhD थर्ड ईयर का स्टूडेंट इस SES GBM में आए हुए सभी EC मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूर दराज के विभिन्न संस्थानों से आए हुए मेरे प्यारे जूनियर्स जो अभी JNU के इस रंग में रंगना शुरू हुए हैं मैं उन्हें साइस ने आभार करता हूँ। इसी क्रम में हमारे सीनियर्स जो पिछले एक दो साल में मैं देख रहा हूँ कि रिसर्च की फील्ड में इन्वायरमेंटल साइंस JNU में टॉप पोजीशन पे है तो मैं उन सभी कर्मठ मेरे सीनियर और अपने दोस्तों को बधाई देना चाहता हूँ। इसी क्रम में मैं देखा कि जिस दिन नॉमिनेशन था तो टोटल 8 कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट डे 4 लोग अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि जो काउंसलर पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे 4 लोग जो उनके एजेंडे थे तो मैं इस मंच से उनको दिलासा दिलाना चाहता हूँ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपके एजेंडे थे वो मेरे एजेंडे हैं और मैं आपके साथ मिलके आपके एजेंडों को फुलफिल करना चाहता हूँ। इसी क्रम में बात होती है आप लोग सुने होंगे 9 फरवरी की घटना जब एक कैंपेन चलता है शटडाउन JNU तो मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ मैं स्टैंड विद JNU के साथ खड़ा होता हूँ। मैं देखता हूँ कि पिछले 4 साल से मिस यूनिवर्सिटी में हूँ और कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम होता है तो मैं सभी लोगों के साथ अपने आप को खड़ा पाता हूँ। तो पिछली साल मैं SFC का मेंबर भी था तो जो भी स्टूडेंट के इशू थे मैंने वहाँ रखे और हमारे पिछले काउंसलर्स ने जो भी नए इनिशिएटिव लिए हैं मैं चाहता हूँ कि नए एजेंडा जोड़ने से पहले मेरी प्रियोरिटी होगी कि मैं उन एजेंडों को मुकाम तक पहुँचाऊँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी क्रम में जो हमारे पिछले काउंसलर ने SES वेबसाइट को अपग्रेडेशन का काम स्टार्ट किया था जो 70-80% हो गया है मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको फिनिश किया जाए। उसी के तहत हमने देखा है कि इन्वायरमेंटल साइंस इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए एक इंस्टीट्यूट तो है लेकिन वो हो नहीं पाता है। जो पिछले 4 साल से हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं होता है तो पिछले काउंसलर्स ने SES इको क्लब को रजिस्टर कराने के लिए बहुत मेहनत की थी तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उस क्लब को रजिस्टर कराया जाए उसमें फंड आए ताकि हम इन्वायरमेंट अवेयरनेस के जो भी प्रोग्राम है उसको चला सकें। क्योंकि पिछली बार जब हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करना चाह रहे थे इन्वायरमेंट फ्रेंडली दीपावली सेलिब्रेट करना चाह रहे थे तो हमारे पास 100 रुपये भी नहीं थे कि हम अपना इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट करा सकें। हमारे दिन भी पैसे देने के लिए रेडी नहीं थे हमको NSS के पास जाना पड़ा और NSS अपने अकॉर्डिंग हमको यहाँ से वहाँ घुमाता है कि आपको ये थीम रखनी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा SES एको क्लब रजिस्टर्ड हो और हमको फंड हो तो हम अपने तरीके से काम कर सकें। उसी तरीके से बात आती है अर्थ डे की मैं देख रहा हूँ कि 2012 से अर्थ डे कंटिन्यू जो इवेंट है डिग्रेडेड होता गया है अभी तक ये इश्योर नहीं हुआ है कि ये एजेंडा किसका है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। फैकल्टी हाथ खड़े कर देता है पिछले 4 साल से वही कमेटी है उनके पास जाते हैं मैं तो मेंबर नहीं हूँ मुझे डीन ने नहीं बोला तो मैं चाहता हूँ कि ये कमेटी 6 महीने पहले ही डिसाइड हो जाए कितना फंड लाना है कौन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ज़्यादातर जो इशू हैं इस हमारे SES के वो सारे स्पीकर्स ने बोल दिए हैं चाहे वो सैनिटेशन का हो चाहे लाइब्रेरी का हो चाहे कॉमन रूम का हो चाहे CIF का हो तो जो उन सब लोगों के इशू हैं एजेंडे हैं वो मेरे भी इशू हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए
क्योंकि मैं अकेला बहुत कुछ कर नहीं सकता हूँ। डेमोक्रेसी लोगों से चलती है, यदि लोग नहीं होंगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ दुष्यंत कुमार की दो लाइनें हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि SES की तस्वीर बदलनी चाहिए। Question time in 4th speaker.